जब कभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है आपके पार्टनर की एक्टिविटी को देखकर कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, कि आप या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, उसकी हाव भाव देख के ऐसा कुछ लगता है आपको कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ किस तौर पर है आज हम इस रीडिंग में पता लगाने वाले हैं। यदि आपके पार्टनर एक्चुअल में थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, तो आखिर वो थर्ड पार्टी के साथ में किस तरीके से रह रहे हैं, ये बात आज हम पता लगाने वाले हैं। प्लस हम इसमें ये भी पता लगाएंगे कि यदि आप लोग सिंगल हैं, लाइक आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपका है, तो क्या वो किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है या कर रही है, तो ये भी आज हम इस रीडिंग में पता लगाने वाले हैं। काफ़ी डिटेल्स रीडिंग रहने वाली है, आखिर तक देखिएगा ताकि आपको अपने बात का आखिर तक यानी कि जड़ से सॉल्यूशन मिल सके और आपको क्लियरिटी मिल सके आपका जो भी मन में डाउट है उसका, या फिर दोनों के बीच में जो भी चल रहा है आपको अगर जानना है विस्तार में तो देखते रहिए आखिर तक, ठीक है। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद चारू। मैं हूँ शिवांगी श्रीवास्तव। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जो कोई भी आप पहली बार आए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्या है? Let's see. Okay, King of Wands, Seven of Wands, Queen of Pentacles, the Hierophant plus Moon, Eight of Wands. बॉटम में है आपका पेज ऑफ सोर्स, डेथ कार्ड एंड फाइव ऑफ वांड्स, एम्परर ऑटोमेटिक आ गया है इसलिए मैंने ले लिया। ओके, सबसे पहले जोडियक साइंस क्लियर कर देती हैं। यहाँ पे है आपका फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। योर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ऑल साइन। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी यानी कि इंट्यूशन जो मुझे मिली थी वो ये है कि सेवन ऑफ वॉन्स के साथ किंग ऑफ वॉन्स का कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके फ्यूचर, आप आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको फ़िलहाल में ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया है या नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि उन्होंने ज़रूर आपको ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलूँ, चाहे मदर इश्यूज़ हों, चाहे वो रोमांटिक वे पे हो, मेल फीमेल जो भी हों, यहाँ पे सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा लालची है। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो कि फ़िलहाल मैरिड नहीं है, फिर भी अगर आप किसी को प्यार करते हो और आपने किसी उनकी फैमिली को अप्रोच किया है शादी के लिए अरेंज मैरिज के थ्रू, लाइक लव मैरिज है तो भी आपने जब उनकी फैमिली को अप्रोच किया शादी के लिए, आपकी फैमिली ने उनकी फैमिली को, तो उन्होंने दहेज की वजह से मना कर दिया, या फिर आपके खुद के माता जी पिताजी ने, यदि आप बॉय देख रहे हैं तो ज़्यादा पैसा ना मिलने की वजह से आपके पेरेंट्स ने ना कर दिया। आई नो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये कड़वा सच है, सच, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्स के अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स ने आपसे बोला है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर एनर्जीज नहीं बन रही हैं। आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ और चाहते हैं, आपका फ्यूचर पार्टनर जिसको आप अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बनाना चाहते हो, वो कुछ और चाहते हैं, लाइक वो चाहते हैं कि आप उनके हो, आप भी चाहते हो, लेकिन सिचुएशंस जो है वो एकदम अपोजिट है। क्यों? क्योंकि कर्मा में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
रखता है आपको यहाँ पे किसी ना किसी से कार्मिक कनेक्शन है, आप और आपके पार्टनर का उनकी फैमिली से या फिर आपका उनकी फैमिली से कोई कार्मिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं। आप में कोई कमी नहीं, आपके पार्टनर में कोई कमी नहीं, किसी में भी कोई कमी नहीं, उसके बावजूद भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कर्मा बैक हो रहा है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने ऐसा कुछ किया हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि इस जन्म में सारे ब्लॉकेजेस होना इस कंपलसरी हैं। सो आप इत्मीनान बनाए रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल के तरह मैं देख रही हूँ, अगर ये स्पेशली मुझे मदर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं जो कि शादी के लिए हाँ नहीं कर रही हैं, लेकिन यकीन माने जिस दिन ये कर्मा ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये खुद हाँ करेंगी, आपकी शादी होगी, बिकॉज ठीक बगल में है आपका हायरोफेंट। और ये क्या बताता है? धूमधाम से एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी, रीति रिवाज, विधि विधान के साथ में, ठीक है। यदि आपके पार्टनर ने किसी और की बातों में आकर आपको ब्लॉक किया है तो उस इंसान को भी इसका एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर को बहुत जल्दी आपके लिए आपके बारे में काफ़ी सारे ड्रीम्स आने वाले हैं, या तो ऑलरेडी आ रहे हैं या आगे चल के और भी काफ़ी सारे ड्रीम्स आएंगे जिसमें ये इंसान आपको देखेगा और या देखेंगी, और फिर इस इंसान को धीरे 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 करके ये क्लियरिटी मिलती जाएगी कि आपके बारे में जो कुछ भी अफवाह फैलाई गई थी या फिर आपके बारे में जो कुछ भी बताया गया था वो रॉन्ग था, गलत था, आप बिल्कुल इनोसेंट हो और आपको लेकर जो कुछ भी आप खुद बताना चाहते थे लेकिन सिचुएशंस के वजह से बता नहीं पाए, वहीं पे यूनिवर्स आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे उसके थ्रू लाइक एनर्जी में, ड्रीम में दिखाएंगे सच क्या है। यकीन माने उस इंसान के थॉट्स भी ऐसे हो जाएंगे, वो खुद यकीन भी करेगा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। उसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होना शुरू होंगे वो आपके और प्लस इस इंसान की लाइफ को भी बदल देंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी सिचुएशंस, अगर मान लीजिए मैं उन लोगों के लिए बताऊं जो कि मैरिड है, जिनके अपने खुद के बच्चे हैं छोटे छोटे, और बच्चे या तो आपकी तरफ है या उनकी तरफ है, तो वो जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में या फिर बच्चों का अपने पेरेंट्स के बीच में जो सेपरेशन देखने को मिला है, वो सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगा। कैसे? फाइव ऑफ वॉन्स है, एम्परर है, तो यहाँ पे कोई इंसान अपने फैमिली से, अपने परिवार के लिए, जैसे कि अपने वाइफ और हस्बैंड के लिए या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई अपनी फैमिली से जो भी विरोध कर रहा है यहाँ पर, मिलने नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी बना हुआ है, उस इंसान से लड़ने वाला है और लड़कर वो आपकी तरफ बढ़ेगा, अपनी फैमिली की तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी, उसके बाद आप दोनों की यूनियन और रीयूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यदि आप अभी फ़िलहाल पेरेंट्स नहीं हैं तो हो सकता है कि इस रीयूनियन के बाद आप पेरेंट्स बने, पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर आप दोनों का जब रीयूनियन हो तो आप दोनों कहीं या तो आउट ऑफ कंट्री चले जाएं या फिर आउट ऑफ सिटी चले जाएं, ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। ओके, डेथ कार्ड है, सो अभी आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, सो उस चीज़ को आप डेफिनेटली देखें एकदम से डीप डाउन जा कर के, ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। मून कार्ड है, तो किसी भी चीज़ का फियर अपने मन में ना रखें, एकदम क्लियर माइंड करके रखें, हाँ भाई हाँ है तो है, नहीं है तो है, ठीक है। बिकॉज काफ़ी लोगों की डिमांड बहुत रहती है, नहीं मेरे पार्टनर मुझे जल्दी से अनब्लॉक करते हैं, वो आ जाए, आप अपना इनर वर्क करें, इनर वर्क इज़ लाइक हीलिंग, ठीक है, सेल्फ लव, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, ये सब कुछ आपको करनी है, तभी वो उस इंसान को ड्रीम में आप देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे। इस एनर्जी में अगर रहे, इस एनर्जी में अगर रहे तो ये कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो बी केयरफुल, आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं भाई क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू माय फैमिली, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स सो मच गाइस, लव यू ऑल। सेवन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, द टावर,
ग्रैम प्रो, एस ऑफ कप्स, वाटर में है टू ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके सेवन ऑफ सोर्स प्लस नाइन ऑफ कप्स, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आप में से कुछ लोगों की दिल से ख्वाहिश है कि इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आ जाए, आपके पार्टनर के सामने आ जाए, दिल से ख्वाहिश है आपकी और यकीन माने ऐसा ही होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल प्लस सेवन ऑफ सॉरीज, ये कॉम्बिनेशन बताता है, इधर रख देती हूँ, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का सच आएगा, चाहे वो इनकी मदर हो, कोई रोमांटिक हो, मेल फीमेल या फिर कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरह का कुछ पर्टिकुलर धोखा है, वो यहाँ पे आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को फोर्थ पर्सन के साथ में पकड़ेगा, अपने हाथों से उसका सच और अपनी आँखों से उसका सच देखेगा और फिर इस इंसान को रियलाइज़ होगा, तब इसकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, तब इस इंसान की लाइफ में ये टावर मोमेंट आएगा, ये सर से लेकर पांव तक हिल जाएगा और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में आएंगे, यकीन माने आप दोनों की लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि इसके बाद इसका जो कुछ भी ईगो होगा वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और फिर जब ये डाउन होगा देन इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि आपको लेके इस इंसान की जो फीलिंग्स क्या थी। ओके और उसी के बाद इस इंसान को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होगा, आपकी तरफ एक अलग ही कनेक्शन फील होगा। ठीक है, अब एंजल मैसेजेस आपको मैं बताती हूँ कि वो आपको क्या बोलना या बताना चाहती हैं। लेट्स सी, एंजल्स क्या बताना चाहती हैं आपको। इस यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पे कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है। ओके आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके सो देखिए यहाँ पे मदर मैरी का कार्ड है, ये आपको ब्लेस्ड करने वाली हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी, वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होने वाला है। अपने पेशेंस लेवल को बनाए रखें, अगर आपने ज़रा सा भी अपने पेशेंस लेवल्स को लूज़ किया, यकीन माने आप वो चीज़ खो देंगे जो आप चाह रहे थे। ओके और यहाँ पे आपकी लाइफ में विजडम आएगी और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है क्या आने वाला है, तो उस पर यकीन करें कि वो चीज़ एक्चुअल में आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, पेशेंस लेवल को हाई लेवल पे रखना है, साथ ही साथ में जो सरप्राइज़ है उसका वेलकम करें, दिल से स्वागत करें, जो कुछ भी है जो भी है आपको स्वागत करना ही आपकी फर्स्ट ड्यूटी होती है, बिकॉज वो जो नेक्स्ट आने वाला है वो है आपका डिवाइन गिफ्ट सरप्राइज़। ओके सो गाइज, यदि आपके आज की रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।